हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर पेप की इस नई क्लास में। और आज हम हम्मू रावी की विधि संहिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बेबीलोन के शासक हम्मू रावी को प्रथम कानून निर्माता की संज्ञा दी गई है। हम्मू रावी ने अपने शासनकाल में कानून को तैयार करके उन्हें एक पत्थर पर खुदवाया था। हम्मू रावी ने जिस पत्थर पर कानून को खुदवाया था वह काले रंग का था और उस पत्थर की ऊंचाई लगभग 8 फीट की थी। इस पत्थर को बेबीलोन के प्रमुख जिगुरत में रखा गया था। इसी कानून को हम हम्मुराबी की वीर संहिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम्मुराबी की वीर संहिता सूसा ईरान में प्राप्त हुई थी। यह वीर संहिता पेरिस के लूवरे संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, हम्मुराबी की वीर संहिता 3600 पंक्तियों में लिपिबद्ध की गई थी और इस संहिता में 285 धाराएं थी। दोस्तों, कुछ विद्वानों के मतानुसार उसमें 282 धाराएं हैं, जबकि 285 का उल्लेख काफी जगहों पर मिलता है। इस विधि संहिता के अनुसार कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था और अपराधी को सजा देने का काम सरकार का था। सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार कानून अमीर व गरीब सभी के लिए एक समान था। कर्जदारों को राहत देने के लिए हम्मुराबी की वीर संहिता में एक नई प्रथा चालू की गई थी। नौकर तथा नौकर रखने वाले दोनों के लिए नियम बनाए गए थे। ब्याज की दरें निर्धारित की गई थी और इसके साथ ही साथ मुआवजा देने की भी प्रथा चालू की गई थी। तो इस वीर संहिता में रोज की मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी भी तय की गई थी। तो हम्मुराबी की वीर संहिता विश्व के इतिहास में विशेष स्थान रखती है और हम यह कह सकते हैं कि इन कानूनों को लिपिबद्ध करके विशाल साम्राज्य के जनसमूह में उन्हें लागू करना उस समय के महानतम कार्यों में से एक था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gofortep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।